Hey, what's up? Welcome back. This is Subrata host, और आप देख रहे हैं MSG World. तो आज हम लोग पहला दिन वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे. बेसिकली पूजा के बाद आज पहला दिन है, तो आज है सोमवार. अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30. तो आज हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपके लिए एक वर्कआउट प्लान लेके आ रहा हूँ. तो वर्कआउट प्लान मतलब आज हम एकदम लाइट वेट से शुरू करेंगे, वेट मतलब बॉडी वेट से, सिर्फ फ्री हैंड करेंगे. उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनना. चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं. जो पहला बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका वार्म अप. प्लीज़ आप अपना वार्म अप ज़रूर करें, उसके बाद वर्कआउट शुरू करें. कुछ भी हो, फ्री हैंड, वेट ट्रेनिंग, आप अपना वार्म अप करें, उसके बाद वेट ट्रेनिंग पे आए. वार्म अप अभी इसलिए ज़रूरी है, अभी मौसम है ठंड का, ठीक है. तो अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंजरी आ सकती है, जैसे कि शोल्डर इंजरी, साइड में पेन, बहुत कुछ हो सकता है. इंजरी डिपेंड करता है आपके, आप क्या करते हुए आपको इंजरी हो रही है. तो पहले वार्म अप करें. वार्म अप में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वार्म अप दिखाता हूँ, जैसे कि शोल्डर कफ हो गया, रोटेटर कफ हो गया, चेस्ट का हो गया, कमर का. आप सब कुछ वार्म अप करें एक के बाद एक. चलिए वार्म अप देखते हैं. वार्म अप बहुत ही कॉमन है, आप कुछ भी कर सकते हैं. आप अपने बॉडी को बस वार्म अप करें, मतलब बॉडी को थोड़ा सा गर्म करें. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर आप ठंड के महीने में अगर आप एक बाइक को स्टार्ट करेंगे सुबह सुबह, तो वो इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होता पहली बार में. उसको थोड़ा सा चार्ज करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है. ऐसे ही आपका बॉडी है, आपको थोड़ा सा चार्ज होना पड़ेगा, उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग पे. तो वार्म अप बहुत ही कॉमन है, आप देखिए, जैसे कि आप जंप, ये हो गया फर्स्ट. अब हम अपने रोटेटर कफ को वार्म अप करेंगे. इससे हमारा क्या होगा, शोल्डर इंजरी नहीं होगा. एक के बाद एक मैं आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ. हो गया. अब आप अपने गर्दन को, अब ऐसे आप अपने पैरों को भी जरूर स्ट्रेच करना. और वार्म अप करने के बाद आपको बहुत ही हल्का महसूस होगा, अपने बॉडी के साथ आप कुछ भी कर सकेंगे. अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे तो आपको इंजरी आ सकते हैं. चलिए अब आते हैं फ्री हैंड एक्सरसाइज पे. तो हमारा सबसे पहला जो वर्कआउट है वो है चिन अप. हम अपने लैट्स को ट्रेन करेंगे और ये फ्री हैंड में बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है. उसके बाद आगे आगे आप देखते रहिए. आप कोई भी एक्सरसाइज आप जब फ्री हैंड कर रहे हैं तो आप अपने एक्सट्रीम पावर तक उसको यूज करें, मतलब एकदम लास्ट तक उसको परफॉर्म करें, एकदम लास्ट तक. क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रेंथ था वर्कआउट से पहले जब आपने जो गैप दिया बीच में, वो वापस आने में बहुत हेल्प करेगा आपके लिए. तो इसीलिए फ्री हैंड एकदम एक्सट्रीम तक आपको करना पड़ेगा. आइए देखते हैं अब हमारा सेकेंड एक्सरसाइज क्या है. सेकेंड एक्सरसाइज है डॉन. यहाँ पे हम फोम का यूज कर रहे हैं. चिन अप कर लिया, अपने डाउन भी कर लिया. उसके बाद आप आ जाइए पुशअप पे. एकदम लास्ट में होगा हमारा थोड़ा सा लेग वर्कआउट. प्लेन नॉर्मल स्क्वाट करेंगे, कोई ज़्यादा हैवी वेट या कोई भी वेट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. आइए पहले पुशअप करेंगे, उसके बाद लेग्स को ट्रेन करेंगे. पुशअप तो आपको पता है कैसे करना है.
लास्ट वर्कआउट देखिए जो है हमारे लेग्स के लिए। तो मैंने आपको चार एक्सरसाइज बताया, एक हो गया चिन अप, दूसरा डॉन, तीसरा पुशअप, चौथा हमारा फ्री स्क्वाट। ये चार एक्सरसाइज आप पहले 3 दिन ज़रूर परफॉर्म करें अपने एक्सट्रीम लेवल तक। उसके बाद 4th दिन से आप अपना वेट ट्रेनिंग शुरू करें, वो भी मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता दूंगा। आप पहले इस वर्कआउट को 3 दिन ज़रूर फॉलो करें, ठीक है, तभी आपका जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो पहले जैसा आना शुरू हो जाएगा। आप इस चार एक्सरसाइज को हर एक एक्सरसाइज 3 से 4 सेट जरूर परफॉर्म करें, क्योंकि आप पहले 2-3 दिन वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने फ्री हैंड को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ट्रेन करें जितना आपसे हो सकता है, तभी आपका जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो आएगा। और 4th दिन से मैं आपको अपडेट कर दूंगा आप कौन सा वेट ट्रेनिंग करेंगे। अगर आप हड़बड़ी नहीं करते हैं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए वगैरह वगैरह, तो आप कोई दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए ये चैनल नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। और बाकी सब है यहाँ पे, आज मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बाद में वो लोग भी आपको दिखेंगे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। लव यू ऑल, आप अपना ख्याल रखें, हार्ड वर्कआउट करें, टेक केयर, बाय बाय।